मंगा लिए स्टॉल से एंड शी इज एंजॉयिंग दिस ओनली. इतनी ठंड में इतना ठंडा ठंडा पीना वैसे बहुत बड़ा टास्क है. तो हम अब महिला संगीत के लिए तीनों रेडी हो चुके हैं और ये है हम तीनों का फाइनल लुक एंड महिला संगीत का लुक आल्सो. एंड आज मैंने साड़ी पहनी है पहली बार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. और मैं कैसी लग रही हूँ ये बात मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड नीचे पूरा लुक दिखाई देगा तो अब नीचे के फंक्शन एंजॉय करने हम जा रहे हैं नीचे. और आज आशना ने और मैंने ब्लू ब्लू ट्यूनिंग करी है और जैली ने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है. तो देखते हैं नीचे चल के कि महिला संगीत में और कौन कौन से प्रोग्राम और इवेंट्स होने वाले हैं. तो चलते हैं. हो चुकी है तो यहाँ पे गाइस हो चुकी है रिंग सेरेमनी एंड बहुत ही अच्छी हुई है. बहुत ही हमें मजा आया है एंड अभी हम यहाँ पे संगीत एंजॉय करेंगे और आज यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होने वाली है. कि हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर, लेकिन आज के शाम बहुत ही खास है जो आई हूँ सभी को यहाँ साथ लेकर. यस फाइनली जो शाम शानदार है आज की, इसकी हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं. दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत हम करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके. तो जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है वो ग्रूम Thank you.
क्योंकि सबके फेवरेट है। तो देखते हैं, ये देखिए आप गोलगप्पा लवर्स ऑलवेज एट दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हुए एक बार पूरा लुक दिखा देती हूँ। तो हम थोड़ा स्टॉल्स वगैरह ले रहे हैं एंड थोड़ा डिनर कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू दिखाती हूँ। आगे से यहाँ पे स्टॉल्स खाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टॉल्स में खाने के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे बन रही है पपड़ी चाट और ये हमने खा ली थी, बहुत ही टेस्टी है। इसके आगे आएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे डोसा बन रहा है, डोसा चिल्ला कुछ भी ले मतलब समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्पी है। एंड अब और आगे आएंगे तो यहाँ पे बन रही है आलू की टिक्की एंड वेरी क्रिस्पी, वेरी टेस्टी। एंड यहाँ आप आएंगे तो आपको टमाटर की स्टफ्ड चाट वगैरह मिल जाएगी। एंड अगर आप और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको थाई नूडल्स मिलेंगे। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे बन रहा है फ्रेशली मेड रेड सॉस पास्ता एंड वाइट सॉस पास्ता बोथ। एंड और आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिल रहा है आपको पनीर टिक्का, ये भी यहाँ पे फ्रेशली बना रहे हैं और आपको सर्व कर रहे हैं विद हरी चटनी एंड काफ़ी टेस्टी, काफ़ी सॉफ्ट सा पनीर। एंड यहाँ पे लास्टली माय फेवरेट गोलगप्पे, काफ़ी अच्छे हैं गोलगप्पे भी। एंड सामने फंक्शन चल ही रहा है ऑलमोस्ट, अभी हम सारी स्टॉल्स यहाँ पे खा चुके हैं और अभी देखते हैं और खाने की। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, आपको मैं खाने भी दिखाऊंगी क्या क्या है। डिनर करने के लिए खाना खाने, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है। मैं तो आपके साथ दिखा रही हूँ, मम्मी दीदी अभी थाली भी लगा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जाती हूँ। तो यहाँ से चालू होगा ये हॉट चॉकलेट सिजलिंग ब्राउनी यहाँ पे मिल रही है एंड ये मम्मी की फेवरेट है। एंड और आगे चलते हैं, ये रायता है तो मम्मी दीदी अभी यहाँ पे रायता ले रहे हैं। एंड और आगे चलते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे काजू अखरोट का ये हलवा है एंड यहाँ पे ये नसीरा पादी कचोरा है कुछ। एंड और आगे यहाँ पे आपको कुछ नमकीन वगैरह पापड़ वगैरह मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें वही है नमकीन वगैरह। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ये दही बड़े, ये हर शादी की शान होते हैं। एंड ये सारे दही बड़े के सामान ही दही वगैरह एंड ये सारी चटनियाँ इधर। और यहाँ पे आपको मिल रही है स्टफ्ड शिमला मिर्च की सब्ज़ी। एंड और आगे चलेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है आपको जयपुरी वेज की सब्ज़ी, कोई वेज सब्ज़ी। एंड यहाँ पे टिपोरे वगैरह है एंड यहाँ पे सेव टमाटर की सब्ज़ी है एंड यहाँ पे है पनीर की सब्ज़ी, काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है देखने में एंड एकदम गर्मा गर्म बन रही है। एंड ये है क्या है, ये मिनी मलाई कोफ्ता, ये भी काफ़ी अच्छा है। मोगरी की सब्ज़ी है, यहाँ पे सब्ज़ी की वेराइटीज़ खूब सारी है, मतलब थक गई सब्ज़ियाँ गिन गिन के। और दिखाती हूँ मेरे फेवरेट चावल है। एंड और आगे चलते हुए ये मम्मी के फेवरेट यहाँ पे मटर एकदम गर्मा गर्म, यहाँ पे धुआं निकल रहा है देख लो। एंड यहाँ पे आपको खिचड़ा वगैरह भी मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे फ्रेशली आपको नान एंड तंदूरी बना के देंगे, तंदूर में फ्रेशली बन के आएगी। एंड लच्छा पराठा वगैरह, यहाँ पे आपको तवा रोटी तवा चपाती भी मिलेगी यहाँ पे। एंड और देखते हैं मम्मी दीदी ने क्या क्या लिया है, तो यहाँ तक आ भी गए, ठीक है देखते हैं कि क्या क्या लिया है। ज़्यादा पसंद है गोलगप्पे की, यहाँ पे भी वो उसने गोलगप्पे मंगा लिए स्टॉल से एंड शी इज एंजॉयिंग दिस ओनली और ये डिनर नहीं कर रही है। देखिए आप, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं क्या करूँ, आप लीजिए प्लीज़ गाइस।
गाइस खाना खाने के बाद एंड स्टॉल्स एंजॉय करने के बाद नाउ वी आर एट द जूस कॉर्नर, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं. एंड कौन कौन क्या क्या जूस एंजॉय कर रहा है बताएंगे. मैं तो पी रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक, और मैं पी रही हूँ जामुन का शेक, एंड मैं पी रही हूँ पान का शेक. वो तीनों का फ्लेवर अलग है और काफ़ी टेस्टी है, बहुत यम्मी है. इतनी ठंड में इतना ठंडा ठंडा पीना वैसे बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हम बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको. इट्स वेरी यम्मी. We'll be right back.